Hello friends, welcome to English Vocab Tricks. In this video lecture, we studies D letter part 8. I already upload D letter part 1 to part 7. If you want to watch, please go to playlist and watch my old videos. So friends, 2000 vocabs I want to cover in my overall video. After 2000 vocab, 800 vocabs are very easy and 1200 vocabs are moderate to difficult level. So friends, if you remember these tricks, so you will easily remember 2000 vocab. So friends, if you like my video, please subscribe my channel for more updates. So friends, let's start. My first video is droop. Okay, droop means dhila ya udas padna. So isko synonyms hai flag, wit ya fad. तो इसको सिनोनिम्स आप याद कर लेना, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो मैं जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा जो पूरा का पूरा जो वोकैब है, ये ड्रूप और ये पूरा ट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स? तो ड्रूप मीन्स होता है ढीला या उदास पढ़ना। तो उसके बाद करने की ट्रिक कैसे है, तो कैसे याद रखोगे? देखो, ड्रूप ड्रूप है, तो ड्रूप का रिलेटिव वर्ड क्या है? धूप। जैसे ही आपका एग्जाम में ड्रूप आएगा, ड्रूप सबके याद रखोगे धूप, ठीक है? तो धूप से पूरा पूरा का कोई सेंटेंस याद हो जाएगा। देखो कैसे, धूप में निकला ना करो रानी, ठीक है? तो रानी क्या, ड्रूप हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगा, ढीला पड़ने उदास पड़ जाना, ठीक है? आपने गाने भी सुना होगा, तो ड्रूप से क्या है, ड्रूप मीन्स ढीला या उदास पड़ना, ठीक है? इस ट्रिक का पढ़ लेना आपको इजी, ये पूरा पूरा वकैब याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोन। ड्रोन मीन्स आवाज़ मधुमक्खी आदि की, ठीक है? तो उसे कहते हैं ड्रोन, किसी भी मधुमक्खी की आवाज़ को बोलते हैं ड्रोन। तो उसे याद करने की ट्रिक है। इसका जो सिनोनिम्स है विन, ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार आ जाता है। तो मक्खी विन करती है, मिस क्या करती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, हिन हिन की तरह होती है ना, उसी तरह से याद कर लेना आवाज़ मधुमक्खी की। तो ड्रोन मिस होता है आवाज़ मधुमक्खी की, उसे याद करने की ट्रिक है। रोने की आवाज़ क्या है, ड्रोन है, मीन्स रोने की आवाज़ जो है इसकी कैसी है, ड्रोन है, मतलब मधुमक्खी की जैसी है रोने की आवाज़। तो ड्रोन और रोने, बोथ आर रिलेटिव वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोल। ड्रोल मीन्स आनंद लेना, मन फेरना, अ पर्सन हु अम्यूज अदर बाय रेडिकुलर्स बिहेवियर। तो इसका सिनोनिम्स है बुफून, क्लोड या गुड, ठीक है? ड्रोल मीन्स आनंद लेना या मन फेरना। तो इसका करने का ट्रिक है, देखो सन्नी देओल का रोल कैसा है, ड्रोल था, मतलब सन्नी देओल का जो रोल था कैसा था, वो ड्रोल था, मतलब आनंदमय था, ठीक है, मन फेरने वाला था, तो गुड था, ठीक है? तो ड्रोल और सन्नी देवल, तो बहुत आर रिलेटिव्स वर्ड। तो जैसे आपके एग्जाम में ड्रोल आएगा, तो ड्रोल आप याद कर लोगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स कोई मूल्यहीन खबर, निरर्थक खबर, जिसे कहते हैं ड्राइवल। तो कोई मूल्यहीन खबर, ऐसे बोरिंग एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं ड्राइवल। तो इसका याद करने की ट्रिक है, ड्राइवर के बकवास बातें क्या है, ड्राइवल है, मतलब ड्राइवर है, ठीक है, ये बात एक ड्राइवर है, इस ड्राइवर के जो बकवास बातें क्या है, ड्राइवल है। तो ड्राइवल है मतलब क्या है, कोई मूल्यहीन खबर, मतलब कि निरर्थक खबर है, बोरिंग एंड यूजलेस इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जिसे कोई यूज ही ना हो, ऐसा उसे कहते हैं ड्राइवल। तो ड्राइवल सब क्या हो जाएगा, ड्राइवर, ठीक है? ड्राइवल और ड्राइवर बोथ आर सिनोनिम्स वर्ड, दोनों में डिफरेंट है क्या, ठीक है? ड्राइवल और एल की जगह आप, अगर एल की जगह आप आर लगा दोगे, ठीक है, तो ड्राइवर की जगह क्या हो जाएगा, ड्राइवर। तो ड्राइवर साहब का पूरा पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा। तो ड्राइवर के बकवास बातों साहब क्या है, ड्राइवर है, ठीक है, अब तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैब। ड्रैब मीन्स उदास, अनएक्साइटेड, विदाउट इंटरेस्ट और कलर, डल और बोरिंग। तो ड्रैब मीन्स उदास होता है, तो उसका कैसे याद रखो, देखो ड्रैब, तो कार का ड्राइवर कैसा है, ड्रैब है, मतलब इस आप मान लो कोई कार खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप इस कार को टेस्ट के लिए आपको ड्राइव करोगे, तो जो आप जो इसको ड्राइव करोगे, टेस्ट करोगे, तो कैसा होगा वो आपका, ड्राइव हो जाएगा, मीन्स आपको अच्छी नहीं लगेगी चलाने में, तो आप क्या हो जाओगे, ड्राइव हो जाओगे। तो कार का ड्राइव कैसा है, ड्राइव है, मीन्स क्या है, उदास है। तो ड्राइव और ड्राइव बोथ आर रिलेटेड वर्ड, इसको याद कर लेना। कार का ड्राइव, कैब का ड्राइव कैसा है, ड्राइव है, ठीक है? तो नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनिया। ड्रैकोनियल, ड्रैकोनियन मीन्स होता है कठोर, ड्रैकोनियन मीन्स कठोर। तो उसे याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, ये जो हर्ष है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हर्ष है, रूथलेस है, ओस्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना, ठीक है? वैसे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना अपने एच लेटर में, आर लेटर में, तो इसके अंदर ये भी वर्ड कवर हो जाएगा, रश भी, रूथलेस भी, ठीक है? सो याद करने की ट्रिक है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मीन्स कठोर। ड्रग्स और ओनियन का, ड्रग्स और ओनियन का जो प्राइस भी क्या है,
ड्रैकोनियन हो गया, मीन्स ड्रग्स और ओनियन का प्राइस जो है कैसा होगा, ड्रैकोनियन हो गया मीन्स कठोर हो गया, ठीक है। तो ड्रैकोनियन, ड्रग्स और ओनियन बोथ आर रिलेटिव्स वर्ड, ड्रग्स और ओनियन, ड्रग्स और ओनियन का प्राइस भी ड्रैकोनियन हो गया, मीन्स क्या हो गया, कठोर हो गया। सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉव्स। डॉव्स मीन्स होता है जमीन के नीचे पानी, खनिज या पदार्थ, उसे बोलते हैं डॉव्स, ठीक है। तो डॉव्स याद करने की ट्रिक है, हाउस में पानी के लिए डॉव्स करते हैं, मीन्स हाउस में पानी के लिए क्या करते हैं, डॉव्स करते हैं। मान लो किसी घर में पानी पहुंचाना है, ठीक है, नलकूप होते जैसे कि, तो डॉव्स पानी पहुंचाने में क्या करते हैं, हाउस में पानी के लिए डॉव्स करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जमीन के नीचे पानी क्या करते हैं, खनिज पदार्थ को अंडरग्राउंड पानी करते, उसे तो होता है, इसको याद करते हैं, टू लुक फॉर अंडरग्राउंड वाटर और मिनरल्स बाय यूजिंग स्पेशल स्टिक और लॉन्ग पीस ऑफ मेटल दैट मूव्स व्हेन इट कम्स नियर वाटर एक्सेट्रा। सो डॉव्स एंड हाउस बोथ आर रिलेटिव वर्ड्स, आज याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉवडी। डॉवडी मीन्स गंदा, ठीक है, नॉट अट्रैक्टिव और फैशनेबल, डॉवडी। तो याद करने की ट्रिक है, डॉवडी मीन्स गंदा, सिनोनिम से पेन, ड्रैब, ठीक है। तो सलमान खान का बॉडी क्या है, डॉवडी है, मीन्स सलमान खान का बॉडी कैसा है, डॉवडी है, मतलब क्या है, गंदा है। वैसे तो है नहीं, बट फिर भी आप अपने याद करने के लिए तो कर ही सकते हो ना, ट्रिक बना ही सकते हो उसको याद करने के लिए। तो सलमान खान का जो बॉडी है कैसा है, डॉडी। देखो बॉडी और डॉडी बोथ आर रिलेटेड वर्ड, तो जैसे ही एग्जाम में डॉडी आएगा तो डॉडी से आप याद रखना बॉडी, ठीक है। तो डॉडी और बॉडी बोथ आर रिलेटेड वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज डोर। डोर मीन्स सूखा, सीरियस, नेवर स्माइलिंग एंड अनफ्रेंडली, उसे कहते हैं डोर। तो डोर देखो फ्रेंड्स, आपने कभी भी आसपास के जो आपके फ्रेंड्स होंगे कैसे होते हैं, उनका जो करैक्टर होता है वो कैसा होता है, कई बार डोर होता है मीन्स अनफ्रेंडली होता है, नेवर स्माइलिंग होता है और सीरियस होते हैं काफ़ी वो। तो ऐसे भी आपने आसपास के में काफ़ी लोगों को देखा होगा, तो आप ऐसे भी उसके कर सकते हो रिलेट। जैसे कि मान लो कि माई पंकज फ्रेंड इज डोर, मतलब जो मेरे पंकज फ्रेंड है क्या रूखा सूखा है, अनफ्रेंडली है, नेवर स्माइलिंग, कभी भी हंसता नहीं है, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक्स है डोर, डोर मीन्स रूखा। तो पूरे टूर में, ठीक है, डॉग की तरह क्या है, डोर है। मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ किसी ट्रेवल में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ पूरे के पूरे टूर में क्या है, डॉग की तरह, मतलब कुत्ते की तरह क्या है वो, डोर है, मतलब रूखा है, मतलब अनफ्रेंडली है, नेवर स्माइलिंग है। आपने देखा कुत्तों को हमेशा क्या होते हैं, कभी स्माइलिंग करते हुए नहीं देखा होगा, आप इस तरह से कर सकते हो रिलेट, ठीक है। तो डोर और टूर बोथ आर रिलेटिव्स वर्ड, तो आप पूरा पूरा सेंटेंस याद करके ये अपना वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे डोर में डॉग की तरह क्या है, डोर है, मींस क्या है, रुखा है, अनफ्रेंडली है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉस। डॉस मींस भिगोना, गीला करना, ठीक है। टू स्टॉप अ फायर फ्रॉम बर्निंग बाय पोरिंग वाटर ऑन इट। तो डॉस मींस भिगोना, गीला करना। तो इसका याद करने की ट्रिक्स है, डोसा हाउस में आग लगा तो डोस करते हैं, ठीक है। तो डोसा हाउस में आग लगा तो डोस करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, गीला करते हैं। मान लो कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो कैसे रेस्टोरेंट है वो, डोसा हाउस का रेस्टोरेंट है, उसके अंदर क्या बनता है, डोसा बनता है। तो अगर उसके अंदर आग लगा दिया जाए तो ठीक है, क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, डोस करोगे, ठीक है, मीन्स क्या करोगे, आप भिगोगे, गीला करोगे, ताकि पूरा का पूरा आग सब जगह ना फैले। तो टू स्टॉप फायरिंग फ्रॉम बर्निंग बाय पोरिंग वाटर ऑन इट। पोरिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराना, उसे कहते हैं पोरिंग। तो पोरिंग वाटर फ्रॉम इट टू स्टॉप फायर फ्रॉम बर्निंग, किसी भी जलने को रोकने के लिए उसे कहते हैं डोस, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉट। डॉट मीन्स स्नेह में डूबना। बी फुलिश और स्माइल ड्यू टू ओल्ड एज डॉल ऑन समबडी टू लव समवन वेरी मच एंड शोस दिस बाय योर एक्शन। सो देखो फ्रेंड्स, याद करने की ट्रिक्स है, डॉट मीन्स होता है स्नेह में डूबना, ठीक है। तो धोती से हमारा दोस्ती है, ठीक है, धोती से हमारा क्या है, दोस्ती है, और डॉट भी, ठीक है। मान लो कि आप साउथ में देखा हो, काफ़ी जो गाँव में देखने चाहते हो कि कभी भी लोग क्या पहनते हैं, मैक्सिमम लोग गांव में और साउथ के लोग भी काफ़ी धोती पहनते हैं, ठीक है। तो धोती में हमारा दोस्ती है, ठीक है, और क्या है, डॉट भी, मतलब स्नो से डूबना भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे याद करें, डॉट और धोती बोथ आर रिलेटिव वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, धोती से हमारा दोस्ती है और क्या है, डॉट भी है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने 10 वीडियो कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं अपने जो भी वीडियो लेकर आऊँगा पूरे के पूरे 7 से 8 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मैं कोशिश करूँगा कि 10 वर्ड याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ना भूलिए फॉर मोर मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।